लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, योगी सरकार की तरफ से पंचायत सहायक भर्ती के लिए एक नया लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, किस पे कार्रवाई होने वाली है, कौन लापरवाही बरत रहा है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट हर ज़िले की सबसे पहले पहुँचे और आप सही जानकारी से रूबरू हो सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है। पंचायत सहायकों के लिए योगी सरकार का नया आदेश, नियुक्ति न करने पर ग्राम प्रधानों को नोटिस। दोस्तों, यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि पंचायत सहायकों के लिए योगी सरकार का नया आदेश है और नियुक्ति नहीं करने पर प्रधानों को नोटिस भी जा रही है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, ये न्यूज़ पूरे राज्य के लिए है, ऐसा नहीं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे राज्य के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है। योगी सरकार इन दिनों ग्राम पंचायत के लिए नवनियुक्त पंचायत सहायकों की कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यशाला में पंचायत सहायकों को उनके संबंधित कामों और उनके दायित्व के संबंध में प्रशिक्षण किया जा रहा है। एडीओ पंचायत राकेश कुमार व उपस्थित में बुधवार को तहसील में एवाकरा हाल में आयोजित नवयुक्त पंचायत सहायकों की कार्यशाला में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रमुख ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह ने नजीबाबाद ब्लॉक के चयनित पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत विकास के ग्राम प्रधान और प्रधान सेक्रेटरी के दिशा निर्देशन में कार्य करने की जानकारी दी। उन्होंने समस्त सहायकों से ग्राम पंचायत विकास कार्यों में मुख्य रूप से समस्त ऑनलाइन कार्यों को करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा आदि के कार्यों के पर्यवेक्षण से संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को देने को कहा। एडीओ पंचायत राकेश कुमार की उपस्थिति में ब्लॉक प्रमुख ने पंचायत सचिवों को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक नियमित रूप से पंचायत घरों का कार्य के लिए उपस्थित रहने के लिए बोला है। दोस्तों, प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक दो प्रधानों को नोटिस। किस लिए नोटिस भेजा गया? पंचायत सहायकों के चयन में लापरवाही करने वाले दो प्रधानों का डीएम ने नोटिस जारी की है। 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है, जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी न होने से कोविड रिपोर्ट मामलों में ग्राम पंचायतों की प्रक्रिया लटकी है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती होनी है, जिसे जिले की 937 ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ ग्राम पंचायतों से अनुबंध हो रहा है। वहीं कई प्रधान लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही करने वाले दो प्रधानों को डीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सिमरा बाजार रमिया बेहड़ की प्रधान विल्किस व ग्राम पंचायत सोहरिया की प्रधान व अध्यक्ष प्रशासनिक समिति फातिमा को नोटिस जारी की है। इन दोनों ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक का चयन नहीं किया गया है। डीएम ने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। डीएम ने बताया कि 3 दिन में स्पष्टीकरण दे, नहीं तो पंचायत राज अधिनियम के तहत वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। उधर बताते चलें कि जिले के 937 ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ ग्राम पंचायतों में प्रधानों की लापरवाही के कारण चयन लटका है। वहीं कई मामले ऐसे हैं जहां कोविड रिपोर्ट को लेकर चयन में बाधा है, स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट का चयन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये थी जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिए, अगर आपके भी ग्राम प्रधान अनुबंध नहीं कर रहे हैं तो तुरंत डीएम के पास आप कंप्लेन करिए, वो तुरंत अनुबंध करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि जो अनुबंध नहीं कर रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।